नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में धनतेरस की रही धूम, उत्तराखंड सीएम धामी ने दी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं। कहा, भगवान से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना करता हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने किया मतदान में बदलाव। दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों से घर बैठे करवाएंगे मतदान। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का उत्तराखंड दौरा, हरीश रावत से की मुलाकात, केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। हल्द्वानी के कालाढूंगी रोड पर हाईमास्ट लाइट्स का उद्घाटन, मंत्री बंशीधर भगत और मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने की दी सौगात। कहा, क्षेत्र को करेंगे आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित, तो वहीं बाजारों में रही धनतेरस की रौनक। देवस्थानम बोर्ड के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज, तो कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, बोर्ड का एक्ट बनाकर आस्था को ठेस पहुंचाने का किया काम। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि भगवान से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना करता हूं। आपको बता दें कि इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण, वाहन खरीदने और किसी प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट में निवेश करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग झाड़ू बर्तन से लेकर लगभग सभी चीजों की शॉपिंग करते हैं। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में जिन प्रतियोगिताओं को कोविड के दूसरे डोज के लिए लकी ड्रॉ निकाला था, उनको मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से उनका पुरस्कार दिया। परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को कोविड की दूसरी डोज लेने पर बधाई दी, साथ ही कहा कि पूरे राज्य में 15 दिसंबर तक वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी सबको लग जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस काम में अभी से लग जाएं। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विजेताओं और प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। और वहां पर 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं, 400 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं जो 250 करोड़ की पूरी हो चुकी हैं और 150 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास होना है और भव्य जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है उसका अनावरण करने वाले हैं। उस दिन पूरे देश के साथ केदारधाम का उस दिन कनेक्ट रहेगा। हमारे जितने भी शिवालय हैं, बड़े शिवालयों पर वो ये कार्यक्रम होगा, साथ में जो हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों पर होगा, शंकराचार्य जी के चारों मठों पर होगा, उनकी जन्मस्थली पर होगा। अन्य जो है जो हमारे हम लोग और भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में और देश में कोने कोने में जो है ये कार्यक्रम उस दिन लोगों तक पहुंचे। धनतेरस वाले दिन निकला है तो और धन्यवाद सबको। पहली बात तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस मतलब जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज कराया और लोगों को प्रमोट करना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीन लगवा कर इस कोविड महामारी को मतलब उसका। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और विधानसभा अध्यक्ष KP राणा हरीश रावत से मिलने उत्तराखंड पहुंचे। इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम गए और पूजा अर्चना की। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कर्तव्य पथ से बड़ा कोई धर्म पथ नहीं है।
धर्म गरीबों का पेट भर रहा है, खुशियां फैला रहा है, यह महादेव का संदेश है। इसलिए मैं यहां आशीर्वाद लेने आया हूं। यही कामना है कि महादेव के आशीर्वाद से मैं अपने कल्याण को पंजाब के कल्याण के साथ मिला सकूं, जिससे पंजाब जीत सके। हल्द्वानी के कालाढूंगी रोड पर हाई मास्ट लाइटों का उद्घाटन मंत्री बंशीधर भगत और मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोथेला ने किया। जहां कैबिनेट मंत्री ने इसे नए शहर का निर्माण बताया, तो वहीं उनका कहना है कि सौंदर्यकरण को लेकर कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में पंचक्की चौराहे से लेकर कटघरिया तक नहर को पाटकर सड़क चौड़ाईकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में पार्कों का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र अपने आप में आदर्श विधानसभा क्षेत्र बन पाएगा। मेयर साहब की कृपा है, बहुत परिश्रमी है, उन्होंने बहुत पूरे क्षेत्र में लाइटों का एक जाल बिछा दिया है। आज हम स्ट्रीट लाइट की जो लगी हुई है, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे यहाँ की छटा देखने योग्य होगी और लोगों को बड़ी सुविधा होगी। दीपों के उत्सव दीपावली में आज माननीय शहरी विकास मंत्री श्रीमान बंशीधर भगत जी द्वारा इस लाइटों का उद्घाटन किया गया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। और इसके अलावा समय समय पे मुझे वो चेताते भी रहते हैं, निर्देश भी देते रहते हैं कि जल्दी इन क्षेत्रों में डोर टू डोर कलेक्शन और सफाई कर्मी भी आप दीजिए, कहीं कोई धन की कमी आएगी तो वो भी मैं पूरा करूँगा। और साथ ही सीवरेज की ड्रेनेज का भी एक बहुत बड़ा प्लान इन क्षेत्रों का हम लोगों ने भेज। उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य का कहना है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ ही विकलांग व्यक्तियों को भी बैलेट पेपर के जरिए घर पर रहकर ही मतदान करने का मौका दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने कहा कि प्रदेश भर में 11,647 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 78,46,000 है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं राज्य में सीनियर सिटीजन 1,86,000 से अधिक मतदाता हैं। अगस्त 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक प्री रिविजन एक्टिविटीज किया है। प्री रिविजन एक्टिविटीज में हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओस जो है बूथ उनके बूथ का क्षेत्र का सभी घरों को जाके हाउस टू हाउस सर्वे करके बताते हैं, तो वहां गए हैं और वहां पे डीएससी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज जो है उनको सत्यापित करके कहीं पे भी डुप्लीकेसी है तो उसको आप उन्होंने ठीक कर दिया है। उसके बाद वहाँ पे कोई छूट गए हैं तो उनको एप्लीकेशंस भी कैसे अप्लाई करना है वो भी उन्होंने कहा है, बताया है। उसके बाद सेक्शंस फॉर्मेशन, जैसे आप एक पार्ट देखते हैं, एक बूथ का पूरा रोल आप देखेंगे तो नया नया आबादी कोई क्षेत्र में आ गया है तो नया सेक्शन हम बनाते हैं, तो सेक्शंस भी हमने उस टाइम। केदारनाथ में देवस्थान बोर्ड के तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन ने जहां उग्र रूप ले लिया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी वहां के तीर्थ पुरोहितों के भारी आक्रोश के बाद लौटना पड़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि देवस्थान बोर्ड के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अपने हकों को लेकर है और पूर्व में मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने देवस्थान बोर्ड का एक्ट बनाकर आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। सारे देवी देवताओं का इस प्रदेश में वास है और एक पौराणिक व्यवस्था है हमारी, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां एक व्यवस्था रही है पुरानी, जिसमें तीर्थ पुरोहित और पुजारी जो है उसकी व्यवस्था को देखते हैं। भाजपा सरकार ने उन तीर्थ पुरोहितों के और पुजारियों के अधिकारों को छीनने का काम किया देवस्थानम बोर्ड बना करके,
और उनकी मांग पर आज भी एक खाना पूर्ति करके कमेटी बनाई गई, उनकी मांगों को भी नहीं सुना गया। तो निश्चित तौर पे इनको उनका विरोध झेलना पड़ेगा। और उन्होंने जो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी को आज भगाया है, तो आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा ने जनता को भी गुमराह किया है, अच्छे दिन की बात कह के, महंगाई कम करने की बात कह के, आज उन्होंने जनता को भी गुमराह किया। और आप देखिएगा 2022 में जनता भी इसी तरह इनको दौड़ा दौड़ा के भगाएगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी चमत्कारी आंकड़ों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने डोईवाला में बैठक का आयोजन किया, जिसमें ओबीसी और एससी मोर्चा में युवाओं को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी का विस्तार किया गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं और भाजपा युवाओं पर भरोसा जताकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं का अहम रोल रहेगा। मोर्चे के अध्यक्ष की मैं इसमें पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा और जो मेरी पूरी टीम है इसमें गठित करूंगा आगे, और अपनी टीम को पूरी साथ में लगा के इसमें पूरी मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि हमारे 2022 में भी चुनाव आ रहा है, तो हम इस तरह से मेहनत करेंगे कि 2022 चुनाव में हम बहुत अच्छी बहुमत से विजय हो हमारी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने मोदी और शाह के उत्तराखंड दौरों को चुनावी दौरा करार दिया है। सांसद प्रदीप टमटा ने पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार हो रही बढ़ोतरी पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। सांसद ने कहा कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि गैस सिलेंडर 1000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। केंद्र सरकार मनरेगा के मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं दे पाई है। कोई राहत नहीं मिली। आज इसी जनपद में डीजल भी 100 को पार कर चुका है, पेट्रोल तो बहुत ऊपर पार चुका है, गैस 1000 के आंकड़े को छुलेगी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री आशा थी कि राज्य के लाखों परिवार जो मनरेगा के अंदर कार्य कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है, उनकी दिवाली किस तरह निराशा में घर के, आप खुद जान रहे हैं कि उनको राहत देंगे, मनरेगा का फंड भारत सरकार रिलीज करेगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संदर्भ में राज्य के मनरेगा कर्मियों का वेतन अभी तक नहीं दिया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं, तुरंत मांग करते हैं कि ये लोगों का काम है, नियम के तहत 15 दिन के अंदर उनको वेतन मिलना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है, मुझे जरा सा भी आशा नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर कुछ देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो उसने आपदा के मानकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन के आधार पर जब आपदा हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आती है तो उसका बहुत बड़ा लाभ, वास्तविक लाभ जो है हमारे जो आपदा से प्रभावित लोग होते हैं उनको नहीं मिल पा रहा। इसलिए जो कांग्रेस के द्वारा आपदा के मानक बनाए गए थे वो तब भी पहाड़ के हित में थे और उसी रूप में इस मानक में परिवर्तन होना चाहिए। हरिद्वार में दीपावली के मौके पर लगने वाले पटाखों के बाजार को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने पटाखों के बाजार के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए हैं। कई बाजारों में पटाखों की दुकानें लगाने पर रोक लगाई गई है। फायर ब्रिगेड की ओर से भी आग लगने की घटना को रोकने के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। गौरतलब है कि हर बार नियमों को दरकिनार कर पटाखों की दुकानें लगाई जाती है, जिससे कई बार आग लगने की घटना होने पर फायर ब्रिगेड का मौके पर पहुंचना भी मुश्किल होता है। कि जो भी ये पटाखे की दुकान लग रही हैं बाजारों में, तो उसकी पहले तो अनुमति भी दी गई है उसमें प्रशासन के द्वारा, तो उसी को देखा जा रहा है। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे लग रही हैं उन जगहों को चिन्हित किया है। समस्त थाना प्रभारियों को हमने एक टास्किंग दे रखी है कि एक तो विजिबिलिटी बढ़ाएंगे वहाँ पे, निरंतर गश्त रहेगी वहाँ पर, और साथ में पिकेटिंग भी की हुई है, और साथ में जो फायर की हैं गाड़ियाँ वो भी हमारे पास, क्योंकि मोटरसाइकिल्स भी हैं हमारे पास 4 और बाकी और छोटे वाहन भी हैं। बाकी हमारी टीमें तैयार है, सारे फायर स्टेशन हमारे एक्टिवेट है,
उनको सारे मशीनरी ठीक करने के लिए और दुरुस्त रखने के लिए आदेशित कर दिए गए। जो दीपावली के लिए आतिशबाजी के दुकानों के लिए लाइसेंस मिलते हैं वो 3 या 4 दिन के लिए होते हैं। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार करने के मामले में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से देह व्यापार से संबंधित धनराशि 6,950 रुपये भी बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसके अलावा पुलिस ने मकान मालिक और उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग वांछित दिखाए गए। इस कार्यवाही की अच्छी चीज़ यह है, इसमें सूचना लोगों द्वारा दी गई और इसमें पूरा नेटवर्क पुलिस ने छानबीन निकाला। उसमें घर के मालिक भी शामिल थे, साथ ही उनके एजेंट जो अलग अलग जगह से लोगों को या ग्राहक लेके आते थे उनको भी पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया या फिर जो जिसकी भी गिरफ्तारी कोटद्वार बाजार में धनतेरस पर भीड़ और चकाचौंध तो देखने को मिली, लेकिन बाजार में खरीदारी बहुत कम रही, जिसके कारण व्यापारियों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। उत्तराखंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनिल कुमार भोला ने बताया कि इस बार धनतेरस के अवसर पर बाजार में काफी अच्छी भीड़ भाड़ रही, हालांकि खरीदारी की दर काफी कम रही। मसूरी में कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को धनतेरस पर राहत मिली है। बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी की। मसूरी के मुख्य बाजार में लोगों का हुजूम देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। बीना पवार ने बताया कि धनतेरस के दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। डोईवाला के अठूरवाला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की भी जमकर पसंद सामने आ रही है और इसकी मांग भी बाजारों में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में धनतेरस के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और कुमाऊं मीडिया प्रभारी दीपक बलूटिया ने कैंप कार्यालय में सम्मानित किया, जिससे सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रही। इस मौके पर बलूटिया का कहना था कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पीड़ितों की सेवा की और सरकार ने उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पे जो दिए तैयार किए जा रहे हैं गाय के गोबर से कम 10 से 15 महिलाएं आपस में मिलकर तैयार कर रही हैं। कुछ लोग घर से इस कार्य को कर रहे हैं, कुछ यहीं पे आके कर रहे हैं डेयरी फार्म में। राजधानी देहरादून के पल्टन बाजार में धनतेरस पर्व पर धूम दिखाई दी, तो वहीं खरीदारी के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि धनतेरस का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन लोग खरीदारी जरूर करते हैं। इसी के तहत लोगों ने बाजार में जमकर खरीदारी की, जिसके चलते दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दी। धनतेरस के मौके पर बाजारों में चहल पहल दिखाई दी, बाजारों में जमकर लोग खरीदारी करने उमड़े। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।